डिक्टेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। ओपी शुक्ला भाग 8 अभ्यास संख्या 67। अध्यक्ष महोदय, सरकार देश में खेती का विकास, कृषि का विकास करने के लिए काफ़ी प्रयत्न कर रही है। अब हमें देखना है कि सचमुच में पैदावार कितनी बढ़ रही है और खेती के नए तरीकों का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार इस चीज़ की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त करे। वह कमीशन किसानों की हालत को देखे और यह भी देखे कि खेती पर कितना खर्च होता है और खर्च को निकाल कर किसानों की बचत क्या है, तभी कोई एक सही निश्चय पर हम आ सकते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ गन्ने की समस्या बहुत कठिन है। गन्ने के दाम ठीक तरह से नहीं मिलते हैं, सरकार के हिसाब से तो दाम ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसानों का खर्चा इतना बढ़ गया है कि उसका खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, गन्ने का दाम भी जितना होना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इसलिए इसके ऊपर फिर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि किसान की हालत अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ पिछली बार गन्ने का दाम अच्छा मिला तो लोगों ने काफ़ी गन्ने की खेती की, लेकिन इस साल आज अप्रैल का महीना चल रहा है और मेरे क्षेत्र का केवल 20% गन्ना अभी तक मिल में नहीं भेजा जा सका है। हम कहते थे कि गन्ने की पैदावार काफ़ी है, मिल वाले कहते हैं कि काफ़ी नहीं है। मैं नहीं समझ सकता हूँ कि यह बात कहाँ तक ठीक है। पहला एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, सरकारी खेती के ऊपर से जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। सरकारी खेती से कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ता है। किसान समझता है कि सरकार यह खेती केवल अफसरों के भाई और दोस्तों को नौकरी देने के लिए चला रही है। यह सचमुच में ठीक मालूम पड़ता है। सरकारी खेती में किस प्रकार से काम हो रहा है उसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे ज़िले में एक बड़ा फर्म चल रहा है, उसमें सरकार की काफ़ी पूंजी लगी है। मैं देखता हूँ कि उसमें कभी भी उतनी पैदावार नहीं हुई कि उससे वहाँ के कर्मचारियों के वेतन का खर्च भी निकल सके। ऐसी खेती से क्या लाभ, क्या वह किसानों के लिए अच्छी खेती का उदाहरण हो सकता है। दूसरी चीज़ है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो पानी की आवश्यकता है उसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर के इस देश में पानी की कठिनाई को दूर करने का विचार किया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश की काफ़ी ज़मीन जो पहले
वर्षा पर निर्भर थी, उसके लिए अब सिंचाई का प्रबंध किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आज छोटी छोटी योजनाओं के द्वारा इस काम को पूरा कर लिया जा गया होता तो बहुत पहले ही हमारे खेतों को पानी मिल जाता और देश में अनाज का ऐसा अभाव न रहता। स्टॉप।